हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मोहाली के पीसी रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो होगा एक अपडेटेड पीसी रिपोर्ट होगा, क्योंकि इससे पहले जो है मैंने मोहाली के ऊपर एक पीसी रिपोर्ट का वीडियो बना रखा है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे किस तरीके का जो है वो सीनरियो आपको देखने को मिल सकता है और कैसा पिच हो सकता है। तो अभी तक जो है आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना, क्योंकि उसके आगे का जो अपडेट होगा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस ग्राउंड के बारे में। तो कैपेसिटी जो है इसकी 30,000 के आसपास है और ग्राउंड जो है पूरा आपको भरा भरा दिखाई देता है और लोकेशन जो है आपको मोहाली में देखने को मिलेगा। और मोहाली जो है ये होम ग्राउंड है पंजाब जो है वो किंग्स का। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि पंजाब कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, तो हमने देखा जब लास्ट मैच यहाँ पर खेला था तो पंजाब ने जो है ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो कि ये दिखाया कि हाँ ये इनका होम ग्राउंड है और यहाँ पर जो है ये काफ़ी अच्छा डोमिनेट करेंगे। तो क्या इस ग्राउंड पे ये जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं कि नहीं, इसको जो है डिटेल्स में देखेंगे और एक एक करके चर्चा करेंगे क्या अपडेट जो है वो रिसेंट में होगा और लास्ट मैच में हमें क्या देखने को मिला इस ग्राउंड पे, कि आने वाले मैच में जो हम लोग उसको जो है वो इंक्लूड करके या तो हम लोग ड्रीम इलेवन के लिए खेलते हैं तो उस तरह से टीम बना सकते हैं, विनर सेशन एंट्री जो हम लोग उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं जिस तरीके से जो है लास्ट मैच हुआ था उसके हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और विनर सेशन एंट्री जो है आप खेलना चाहते हो और अभी तक जो आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है बहुत इसी तरीके से बना रहे हैं, आप भी जो है बना सकते हो। साथ में जो है आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल वीडियो सर्च करके, यहाँ पर जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। ये डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक भी मिल जाएगा। और साथ में आप टीम इलेवन के लिए जो है जुड़ना चाहते हो, जहाँ पे आप चाहते हो कि टीम न्यूज़ सब कुछ आपको पता रहे, तो आप स्क्वाडिंग इलेवन पर जुड़ सकते हो, यहाँ पर आपको इस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको देखने मिलेगा कि मोहाली के अगर हम लोग पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो मोहाली जो है ना काफ़ी एक फेयर ग्राउंड है। फेयर ग्राउंड का इन द सेंस कि यहाँ पे ना बहुत अच्छे तरीके से आप देखोगे हाई स्कोरिंग मैसेज भी होता है और नॉर्मल मैसेज भी जो है वो होता है। और हमने पास में यहाँ पर देखा है कि काफ़ी अच्छा जो है बैटिंग पेस के साथ यहाँ पर मैसेज जो है वो होते रहता है और पिच ऐसा बिहेव करता है जैसे एक बहुत ही अच्छा जो है बैटिंग स्कोरिंग पिच आपको देखने को मिलता है और स्कोर करना यहाँ पर बहुत ही ईजी होता है। और लास्ट में जो हमने देखा भी पंजाब ने जो यहाँ पे 191 रन जो है बहुत ही इजीली जो है बना लिए। इसके बाद अगर चेसिंग की बात करते हैं तो चेसिंग में जो है लास्ट मैच में कौन उतरा तो केकेआर उतरा और उसके बाद तो जो है वो 141 रन जो है वो बना पाए 20 ओवर में, उससे ज़्यादा जो है नहीं बना पाए। तो ऐसा क्या रीज़न था कि एक में जो है 190 बन गया और दूसरे में जो है जहाँ पे 200 रन चेस हुआ था इस ग्राउंड पर नहीं चेस हुआ था, क्या दिक्कत था? तो देखो इस ग्राउंड पर हमें ये देखने को मिला कि इस ग्राउंड पर जो है ना दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। पीछे जो है वो फ्लैट है और फ्रेश पीछे जब भी मिलता है तो इस ग्राउंड पे जो है ना स्विंग जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है, चाहे वो इन स्विंग हो आउट स्विंग हो, बहुत ही तेज़ जो है बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। अब जितने भी यहाँ पे फास्ट बॉलर हैं अगर उनका स्विंग बहुत ही बढ़िया हो रहा है तो वैसे सीनरी में आप देखोगे कि वो जो है विकेट ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर ले सकते हैं शुरुआत के कुछ ओवर में। और इस चीज़ हमने देखा लास्ट मैच में कि यहाँ पे हमने देखा जब पंजाब बॉलिंग करने आया तो हरदीप सिंह का बॉल जब देखोगे कितना बढ़िया से स्विंग हो रहा था और इतना बढ़िया स्विंग हुआ कि वहाँ पर जो है वो तीन विकेट जो है चटक दिए थे। तो शुरुआत में जब यहाँ पे विकेट गिर जाता है ना तो वहाँ पे रन बनाना पारी को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। तो ये इस ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा मायने रखते थे कि कोई भी टीम जब खेल रही है तो शुरुआत में जब बॉल स्विंग हो रहा है खासकर फ्रेश पिच हो तो जब स्विंग हो रही है तो वैसे सीनरी में जो क्या करें कि वैसे सीनरी में विकेट को जो है थोड़ा सा बचा कर रखना है एक दो ओवर। अगर एक दो ओवर बना लोगे स्टार्टिंग में जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं मिलता है और विकेट रहता है हाथ में तो यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि 190-200 रन के आसपास जो है वो स्कोर बन सकता है। लेकिन अगर विकेट शुरुआत में गिर जाता है तो वो थोड़ा सा एक प्रेशर भी आ जाता है मेंटली भी और एक अच्छा सा जो हिटिंग होता है वो नहीं ले पाता है, जो कि एवरेज स्कोरिंग एरिया 170 के आसपास 160 के आसपास रन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस चीज़ का जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब फास्ट बॉलर का अगर बात करते हैं तो लास्ट मैच में हमने देखा तो फास्ट बॉलर का डोमिनेशन जरूर था और स्पिनर को भी जो है विकेट मिला, लेकिन अगर यूज पिच के ऊपर मैच होगा जो मैसेज से है यहाँ पे हो चुका है उसी पिच के ऊपर अगर मैसेज होता है तो थोड़ा सा जो है आप देखो तो पिच में ड्राई करने से आएगा जिसके चलते यहाँ पे स्पिनर को भी जो है बेनिफिट मिल सकता है। बैट्समैन की बात करें तो बैट्समैन के लिए तो बल्ले बल्ले है ग्राउंड, आप यहाँ पे अगर रुक जाओ तो बहुत बढ़िया तरीके से रन बना सकते हो। तो यहाँ पे इस सीनरी में जो है आपको यहाँ पे लेके चलना है अपने टीम को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो रिसेंट जो मैसेज हुआ था उसमें हमने देखे थे एक बार, देखो पंजाब जो है यहाँ पे 191 रन बनाया था 5 विकेट पे और यहाँ पे कलकत्ता जो है 146 रन जो है बना पाया 7 विकेट पे 16 ओवर में। और ये जो है आपको देखने को मिला था कि यहाँ पे जो है वो DLS जो है वो अप्लाई हुआ था क्योंकि बारिश भी हमने देखने को मिला। अब यहाँ पर देखोगे तो अगर विकेट की हम लोग बात करते हैं फास्ट बॉलर ने जो है 8 विकेट लिया था और स्पिनर ने जो है 4 विकेट लिया था। तो आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है डोमिनेट कर रहा था फास्ट विकेट, लेकिन हाँ फास्ट बॉलर का डोमिनेशन जो है इस ग्राउंड पर जरूर देखने को मिला जो कि आगे भी जो है आपको देखने को मिल सकता है। अब KKR की तरफ से देखोगे तो 2 जो है सऊदी को मिला था, 1 उमेश यादव को और 1 नरेने को और 1 वरुण चक्रवर्ती को जो है विकेट मिला था। यही अगर हम पंजाब की बात करें तो हरदीप को 3 मिला था, सैम करन को 1 मिला था, नेथन इल्स को 1 मिला था,
सिकंदर राजा को जो है ये स्पिनर जो है वो दो दो विकेट इनको मिला था और राहुल चहर को जो है एक विकेट इनको मिला था। तो दो विकेट जो है वो स्पिनर को मिला यहाँ पे पंजाब की तरफ से, दो विकेट ही जो है वो नरेने को मिला और नरेना और बवन चक्रवर्ती को मिला यहाँ पे केकेआर की तरफ से, बाकी जो है फास्ट बॉलर को विकेट यहाँ पे मिला था। और यही अगर हम रन में देखेंगे तो रन में देखोगे जो भी यहाँ पे रुक गया वो काफ़ी अच्छा रन जो है बना पाया। जैसे देखोगे ये जो है आपको दो इनिंग में रन बना था, लेकिन पंजाब की तरफ से देखो परसिमरन का जो है देखोगे तो 12 बॉल में जो है वो 23 था, धवन का 29 बॉल में 40 था, बनुका राजपक्षा का 32 में 40-50 था, सैम गुरन का जो है 17 में 26 था और जितेश शर्मा का जो है 11 में 21 था। यही केकेआर की तरफ से देखोगे तो वेंकटेश अय्यर का 28 में जो है 34 था और अंधेर रसा को देखोगे तो 19 में 35 था, इस अलावा नीतीश राणा का देखोगे तो 17 में 24 था और गुरुवास का देखोगे तो आपको 16 में 22 जो है रन देखने को मिला। तो ये सीनरी जो आपको यहाँ पे रहेगा कि अगर यहाँ पे कोई रुक जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से जो है रन बन सकता है और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बॉलर में जो है वो आपको ज़्यादा डोमिनेशन फास्ट बॉलर को हो सकता है अगर फ्रेश पिच मिल जाता है तो, अगर फ्रेश पिच नहीं मिलता है तो ऑन एवरेज दोनों का जो है इक्वल रहेगा चाहे वो फास्ट हो या स्पिन हो। तो इसको जो है आपको यहाँ पे निर्धारित करके चलना है कि हाँ उसी तरीके से जो है पिच आपको कैसा मिल रहा है उसके हिसाब से अपनी टीमें या अपने सेशन बाकी सारी चीज़ें जो है वो करना है। इसके अलावा अभी तक मैं कहूँगा कि अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हैं कि विनर सेशन इंटरव्यू में बहुत ही से प्रॉफिट बना सको, तेज व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पर आप जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉर्पोरेट सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो या फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ सकते हो। और अगर आपको डिपेंडेंट से रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए, अपडेट चाहिए, टीम चाहिए तो आप स्क्वाडिंग 11 पर जुड़ सकते हो टेलीग्राम पर, इसका लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाते जाते जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि ऐसे अपडेट वाले वीडियो जो है आपको डेली मिलते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन जो है क्लिक करना कि जैसे वीडियो अपडेट होगा आपको जो है नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।